बीते दिन इसी घर में शादी की खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन आज उसी घर में मातम पसर चुका है। शादी वाले इस घर में एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनोगे तो कलेजा दहल उठेगा। जी हाँ, दरअसल 5 साल का मासूम अनुज अपनी माँ के साथ अपने ननिहाल में मामा की शादी में शिरकत के लिए आया था। 26 जनवरी को उसके मामा की शादी थी, लेकिन अभी शादी के बाद के रीति रिवाज चल रहे थे। बीते दिन कल 5 साल का अनुज बाकी बच्चों के साथ गुब्बारों से खेल रहा था, तभी अचानक उसका गुब्बारा फूट गया। अनुज ने गुब्बारे को दोबारा मुंह के अंदर खींचकर फुलाने का प्रयास किया और इसी बीच गुब्बारा मुंह में ही फूट गया। बताया जा रहा है कि गुब्बारा फूटने के बाद उसका कुछ टुकड़ा बच्चे की सांस की नली में चिपक गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। देखो, गुब्बारे से फूटने से मौत होना थोड़ा सा बड़ा रेयर केस है, अनयूजुअल केस है। अमूमन छोटे बच्चों में खेलते खेलते ऐसी चीज़ तो पाई जाती है, जैसे सीटी बजा रहे होते हैं, सीटी मुंह में घुटक जाते हैं, वो सांस की नली में फंस जाती है। कभी कोई छोटा सिक्का होता है, सिक्का मुंह में चबा रहे होते हैं, मुंह में डाले होते हैं, वो भी सांस की नली में फंस जाता है। बट गुब्बारा फूट जाना और गुब्बारे की वजह से ऐसी कोई अनहोनी हो जाना, दुर्घटना हो जाना, ये तो बड़ी एक आश्चर्य की बात है, चौंकाने वाली बात है। बट हाँ, ऐसे केसेस आते भी हैं, होते भी हैं। इस पर हमको विशेष तौर पर छोटे बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी कोई ऐसा छोटा बच्चा कोई ऐसी चीज़ों को हाथ में लिए हो या मुंह में डाल रहा हो, तो उसको तुरंत उन चीज़ों से दूर रखना चाहिए और उनको बच्चों को हमेशा काउंसलिंग की और समझाने की ज़रूरत होती है। सर, ये जो कि ऐसी चीज़ें आप ना लें और इससे ना खेलें, और खेलना भी है तो कम से कम मुंह में इसको ना डालें। इस घटना के बाद बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों को यकीन नहीं हो रहा कि अनुज उनके बीच में नहीं रहा। उधर बच्चे के ननिहाल में जहां सन्नाटा छाया हुआ है, वहीं फरीदाबाद स्थित बच्चे के घर में कोहराम मचा है। बच्चा अपने नानी के यहाँ गया था। जी, नानी के यहाँ पर गया था, तो वहाँ पे शादी का प्रोग्राम था, उसमें गया था। जी, और 10:30 बजे करीब हम पे फ़ोन आया था। जी, कैसे जल्दी आ जाओ, हमें नहीं पता थी कि क्या खाया क्या नहीं खाया। जी, और वहाँ पर जब वाइब्रेटर पर रखा तो जब पता चली गुब्बारा निकला उसके अंदर। तो कहाँ बच्चा किसके यहाँ गया हुआ था, शादी का किस चीज़ का प्रोग्राम था? उसके मामा की लगन सगाई थी, उसमें गया हुआ था। तो गुब्बारा, बच्चा गुब्बारे से खेल रहा था, कहाँ से गुब्बारा खरीदा था बच्चे ने? ये तो उनको ही पता होगी, कि हमें तो पता नहीं। आप कौन लगते हो बच्चे को? मैं उसका बड़े पापा हूँ। आपको बता दें कि सांस की नली में गुब्बारा फंसने के बाद परिजन द्वारा अनुज को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते अनुज ने दम तोड़ दिया था। सिविल अस्पताल के डॉक्टर योगेश गुप्ता ने इस घटना को लेकर लोगों को एक संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को हमेशा गुब्बारे से दूर रखें, और अगर दिया भी जाए तो बच्चा उनकी देखरेख में जरूर रहे। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। टोहाना के बुड़ाईखेड़ा में आयोजित परिवर्तन रैली में बढ़ चढ़ कर पहुँचने के लिए सभी टोहाना वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदक देवेंद्र सिंह बबली, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, टोहाना।